वो पवित्र आत्मा आपको हालेलुया साधारण विश्वासी से, साधारण व्यक्ति से एक महान योद्धा में कन्वर्ट करता है। तृप्त केले आणि जे भरलेले आहे त्यांना परत रिकामच त्यांना पाठवून दिलं परत। देवाच्या मंदिरात देखील, परमेश्वर के भवन में देखील जो भूखे है उन्हें वो खिलाता है, और जो भरे हुए रहते हैं उनको वापस लौटाता है वापस। प्रेज द लॉर्ड। आर यू थर्स्टी? आर यू हंग्री? आई एम हंग्री नहीं पास्टर, आई एम एंग्री। परमेश्वर का वचन महान वचन है। एलिया को परमेश्वर ने रोटी दी, वो साधारण रोटी नहीं थी, इट्स हेवनली ब्रेड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल। और वो ब्रेड से उसे इतनी ताकत आई, 40 दिन 40 रात वो चलते रहा। प्रेज द लॉर्ड, इट्स अ मिरेकल। सिर्फ एक ही अभी रोटी खिलाऊंगा, 4 दिन रात तुम्हें चलना है, इट्स मिरेकल। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द हेवनली ब्रेड, नॉट ऑर्डिनरी। साधारण रोटी नहीं है, यह स्वर्गीय रोटी है। जब स्वर्गीय रोटी परमेश्वर हमें खिलाता है, जब स्वर्गीय रोटी आप खाओगे, जब परमेश्वर का वचन आप खाओगे, हालेलुया, आपका सफर हालेलुया रुकेगा नहीं, आप चलते जाएंगे। हम अपने प्रॉब्लम पे, अपने मुसीबतों पर हालेलुया रोते हुए आप आगे जाएंगे। कोई सा प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकता, नो वन कैन स्टॉप यू। हालेलुया, जब परमेश्वर की रोटी, परमेश्वर का प्रकाशन आप आपके दिल में ले लेते हैं, हालेलुया, ओ माइटी माइटी, ओ जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते और गाड़ी दौड़ने के लिए, भागने के लिए, चलाने के लिए तैयार हो जाती है। दिस इज डिवाइन पेट्रोल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, बोलो परमेश्वर अद्भुत है, जो से परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। मैं जब सोचता हूं कि एलिया को जब वो पेड़ के नीचे डर के इजबेल की जो धमकी थी, धमकी के कारण वो पेड़ के नीचे जाकर बैठा था, उसे लगा अभी मैं खत्म हो जाऊंगा, पर उसने प्रेयर भी की, परमेश्वर मुझे मार डाला भी, नो होप नो जॉय, तो परमेश्वर ने उसे उसके लिए स्वर्गदूत को भेजा। किसको भेजा? और जब वो आत्मा में चल रहा था, परमेश्वर ने कहा कि करित नाम हालेलुया नाले के पास तू बैठ, वहां पर मैंने कौवे को आज्ञा दी है। बोलो आज्ञा दी है, वो तुम्हें रोटी देंगे, तुम्हें मांस भी खाने को देंगे। और बोला यस लॉर्ड, बोलो यस लॉर्ड। करित नामक नाले के पास, झरने के पास जाता है, उधर का पानी पीता है, कौवे आते हैं सुबह सांझ में, रोटी खाओ, मटन खाओ, हालेलुया। ये लेके जगह मेरे तो प्रभु में बोलता था, प्रभु जब मैं इतना अच्छा आपका आज्ञा पालन करता हूं, आप मुझे स्वर्गदूत भेजने के अलावा कौवों को क्यों भेज रहे हो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मैं इतना आज्ञा पालन कर रहा हूं, सब लोग कोई आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, और मुझे कौवों के जरिए तुम खाना खिला रहे हो, कौवे के मुंह का जूठा खाते हैं आप। पास्टर कौवों को छोड़ो, मेरे बीबी का भी जूठा नहीं खाते।
मेरे पति का भी जूठा नहीं खाता, खाती हूं मैं। हालेलुया। और जब वो सब कुछ छोड़कर जाता है, सब कॉलिंग बुलावट छोड़ जाता है, हालेलुया, तब परमेश्वर बोलता है अभी कौवा नहीं रे बाबा, अभी स्वर्ग दूर जाओ रे बाबा। मेरे एलिया को अच्छी बाइबल में लिखा है कि पकी हुई रोटी दे दे, गर्मा गर्म, बोलो गर्मा गर्म, स्वर्ग दूत ब्याज रहा। किसके लिए? जो भागा हुआ है, बोलो भागा हुआ है, हारा हुआ है, थका हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है अभी कौवा नहीं, अभी स्वर्ग दूत तू खुद जाना। दिस इज माई बिलीवर्ड एलिया। प्रेज द लॉर्ड, यू आर बिलीवर्ड फॉर क्राइस्ट। आप परमेश्वर के लिए बहुत मूल्यवान हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हालेलुया, आप जब थकेंगे आप बोलेंगे मेरी पात्रता नहीं है। हालेलुया, एलिया ने खाई रहेगी रोटी और रोता रहेगा, लॉर्ड आई एम नॉट वर्दी, मैं पात्र नहीं हूं, मैं लायक नहीं हूं कि स्वर्ग दूत आकर मुझे रोटी खिलाए, क्योंकि मैं तो भाग चुका हूं, तेरा बुलाहट से भाग चुका हूं, तेरे दौड़ से मैं भाग चुका हूं, मेरी दौड़ कहां है, हालेलुया मैं ट्रैक छोड़ चुका हूं। हालेलुया, बट हालेलुया, दिस इज अ हेवनली गॉड, दिस इज आवर हेवनली गॉड, दिस इज द स्टाइल ऑफ हेवनली गॉड। प्रेज द लॉर्ड, और वो स्टाइल पे मैं फिदा हूं। बोलो ये स्टाइल है परमेश्वर की। जब आप पात्र नहीं रहते, परमेश्वर बोला ले रे बाबा, बहुत ले ले। इब्राहिम ने गलती की, बाइबल में लिखा बहुत अकाल गिर गया। हालेलुया, तब वो बाइबल में लिखा कि मिस्र में नीचे जाता है और सब झूठा बोलता है, ये मेरी बहन है। परमेश्वर भी उसको, हालेलुया, जब वो मिस्र से बाहर निकलता है, परमेश्वर उस राजा को दृष्टांत दिखाते हैं उसको छूना मत। और जब निकलता है मिस्र से बाहर, परमेश्वर उसको धनी अमीर बना के छोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, दिस इज नॉट योर वर्क, दिस इज द हेवनली डैडीज गिफ्ट। प्रेज द लॉर्ड, मेरे लाइफ में मैंने देखा है, अनुभव किया है, हालेलुया, जब मैं लायक नहीं रहता हूं, जब मैं पात्र भी नहीं रहता हूं, परमेश्वर फिर भी देता है मुझे। क्या आपने अनुभव किया है मेरे प्यारे भाइयों? जब आप भी दौड़ में, दौड़ से थक जाते हैं, फिर भी परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देता है, अद्भुत चमत्कार करता है। हालेलुया, कि वो चमत्कार को देख के वापस हम राइट ट्रैक पर आना चाहिए। Lord, उस मिराकल को देखकर, उस आशीष को देखकर हम रोते हुए हालेलुया परमेश्वर के पास वापस आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्टाइल अद्भुत स्टाइल है। प्रेज द लॉर्ड, आई एम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय, चौथा वचन। एलिया ने उससे कहा, हे एलिशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। हालेलुया, बोलो आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना, सुपरनेचुरल जीवन में प्रवेश करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब हम सुपरनेचुरल, हालेलुया, क्षेत्र में, ऊंचाई पर, हालेलुया, हम जाते हैं, हालेलुया, हमारे लाइफ में बहुत बहुत परिवर्तन हो जाते हैं, बहुत बहुत मिराकल्स, बोलो मिराकल्स, मिराकल्स विल फॉलो यू। जब हम सुपरनेचुरल क्षेत्र में, रेल में प्रवेश करते हैं, एलिशा गिलगाल से बेथेल, बेथेल से यरीहो, यरीहो से यर्दन क्रॉस करके एलिया के साथ जाता है। फिर बाइबल में लिखा है कि उसकी चद्दर, हालेलुया, उसका मेंटल
मराठी मध्ये लिहिले जगा त्याच्यावरती पडतो उसके पास आता है हालेलुया और फिर उसका लाइफ हालेलुया चेंज हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने पिछले टाइम बोला था गिलगाल का मतलब है नया जन्म, नवीन जन्म, बोलो नया जन्म। जब हम नया जन्म लेते हैं हालेलुया। गिलगाल में जब उनकी खतना हुई उसके बाद गिलगाल से उसका सफर होता है उसके बाद बेतेल में, बोलो बेतेल। बेतेल में, बेतेल का मीनिंग है हाउस ऑफ गॉड यानी परमेश्वर का घर, बोलो परमेश्वर का घर। और परमेश्वर के घर के जब हमारा नया जन्म होता है हम परमेश्वर के घर को ही ढूंढते, हमारी आस सिर्फ परमेश्वर के घर के और होनी चाहिए मेरे प्यार। हालेलुया। वो क्रिसमस टू क्रिसमस नहीं आ जाएगा, वो हर संडे परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में आएगा वो जिसका नया जन्म होता है। हालेलुया। जिसका नया जन्म होता है वो फिर संडे टू और क्रिसमस टू क्रिसमस, लेकिन जिसका नया जन्म होता है वो हालेलुया वो परमेश्वर के भवन को छोड़कर नहीं जाता। और उसके बाद मैंने बोला, मैंने हमने सीखा है कि यरीहो यानी में जग दुनिया, बोलो दुनिया। जब बेथेल से हालेलुया हम सामर्थ लेते हैं तब हम दुनिया में हम अच्छी तरह से विश्वासु जीवन जीते। वी विल लिव होली लाइफ, वी विल लिव विक्टोरियस लाइफ। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आगे बढ़े, बोलो और आगे बढ़े, आत्मिक क्षेत्र में बढ़े, बोलो और आगे और ऊपर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऊपर से हमें हालेलुया आत्मिक क्षेत्र में जब हम ऊपर जाते हैं हालेलुया हमें जो परमेश्वर देखता है वो हम देखते हैं, जो मनुष्य देखता है वो नहीं देखते, जो परमेश्वर सुनता है वो हम सुनते हैं। एलिया ने बोला कि मुझे जब वो हालेलुया सब लोगों को बाल के नबियों को मार देता है हालेलुया, आहाब राजा को बोलता है कि तू नीचे जा हालेलुया, जब वो नीचे बाइबल में लिखा है वो खाने को जाता है, बोलो खाने को जाता है, लेकिन एलिया और ऊपर जाकर प्रेयर करता है और कहता है कि मुझे हालेलुया बारिश की ध्वनि सुनाई देती है। पर्जन्य वृष्टिचा आवाज मला येत आहे, तू बोलतो। प्रेज द लॉर्ड। जब हम ऊपर जाते हालेलुया खाने की पीने की चीजों पर हम ध्यान नहीं देते, हमारे हालेलुया कान, आत्मिक कान खुले हो जाते हैं परमेश्वर की ध्वनि, परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आपको आवाज नहीं आया लेकिन ये एलिया को परमेश्वर की ध्वनि आ गई कि हालेलुया कि बारिश हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, दुनिया में हम प्रवेश करते हैं हालेलुया, तब हम कहते हैं कि हालेलुया ब्लेसिंग आने वाले हैं, बोलो ब्लेसिंग आने वाले हैं, ब्लेसिंग की आवाज सुनाई दे रही। जिसको लड़का नहीं उसका बोलने आगा लड़के की आवाज सुनाई दे रही। डॉक्टर बोल गया आवाज छोड़, अभी तो क्या 10 साल के बाद बूढ़ा होने के बाद भी तुझे बच्चा नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का ध्वनि हालेलुया जब आप सुनेंगे, ओ हालेलुया आपके लाइफ में चमत्कार हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैंने देखा है विश्वास के द्वारा, एक हमारे चर्च में एक सिस्टर आती थी, उसको भी उसके पूरे परिवार को शाप श्राप से भरी हुई थी हालेलुया, और वो बोले कि मेरे देवर हालेलुया जो देवर है सब देवर को एक भी हालेलुया 5-5 साल के बाद लड़का होता है, हाँ 5 साल के बाद फिर पहले लड़की होती है, अभी हमारा भी नंबर है और उसको भी 2-3 साल कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने परमेश्वर का वचन से बोला कि आप विश्वास से जाओ और आपके बच्चे के लिए कपड़े खरीद लाओ, और लड़का लड़के के लिए खरीदना, लड़की के लिए नहीं खरीदना, नहीं तो लड़की हो जाएंगी। वो विश्वास से गई, अरे उसने कपड़े खरीद लिए और कुछ दिनों के बाद उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया और गर्भवती हो गई और उसको लड़का ही होगा। 5 साल राह देखने की जरूरत नहीं, सब कर्ज निकल गए। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास की ध्वनि हालेलुया जब हम नए रेल में जाते हैं, हम जब चलते हैं, मिरेकल 100% हो जाएगा।
आप बोलते अरे कौन सी दुनिया में है रे बाबा तू, लोग बोलते अरे तुझे मालूम नहीं है वगैरह, कौन सी दुनिया में है अरे, आत्मिक दुनिया में हो रे बाबा। हालेलुया। लोग बोलते अरे इतना ये हुआ है, ये हो रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तुझे कुछ मालूम नहीं है। मुझे कुछ भी मालूम नहीं रहता, हमारे घर में टीवी नहीं, कौन सी दुनिया में अरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हो। हमारे घर में टीवी भी नहीं, प्रेज द लॉर्ड, आई लाइक वॉकिंग विथ स्पिरिचुअल रेम, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमें लेके जाता है स्पिरिचुअल रेम में। आप बोलेंगे प्रभु हालेलुया, पास्टर मुझे भी लेके जाओ फिर, इतना मिरेकल होता है तेरे। इतना ब्लेसिंग मिले तो पास्टर अब ये दुनिया का मुझे वैतक आ गए यार। लेके जाओ मुझे। अच्छा हुआ आपने मुझे बताया मिरेकल कहा हो, आशीष कहा मिलेगी, अच्छा हुआ आपने बताया। अभी मैं भी ऊपर जाके ये लेके ना कर्मेल पर्वत पर बैठता हूं स्पिरिचुअल, अरे ऊपर जाके कुछ नहीं होगा, स्पिरिचुअल आत्मिक रीति में हमें वो स्वर्ग हल्ले ऊपर बैठना है मेरे प्यारे, ऊपर जाना है आत्मिक आत्मिकता में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर छोटा भी हालेलुया बादल, हम बोलेंगे ये छोटा नहीं बादल, अरे बहुत बड़ा बारिश होने वाला है। अभी लिखा है कि हाथ हाथासार का ढाका ढग, हाथ के नहीं हालेलुया बादल। बोला अरे सात बार उसको भेजा और सात बार की बार इतना सा आ रहा है पापा, इतना सा आ रहा है। ओके प्रेज द लॉर्ड, आमीन, यीशु के नाम में दे सब। थैंक यू, काय प्रार्थनेचं वापरणं उपयोग नाही झालं पास्टर। कुछ भी फायदा नाही हुआ पास्टर, प्रेज नहीं। हालेलुया, यू आर इन स्पिरिचुअल रेम, आत्मिक और स्पिरिचुअल रेम में जब आप बोलेंगे हालेलुया, आप चलेंगे तो जैसा आप बोलेंगे वैसा ही हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब इफ यू आर वॉकिंग इन स्पिरिचुअल रेम, जब आत्मिक क्षेत्र में हम चलते हैं, जब हम वो बोलेंगे वही हो जाता है हमारे लाइफ में। आलिशा बोला हालेलुया, कल हालेलुया इसी समय इसी वक्त हालेलुया सब रोटी मैदा हालेलुया सब नॉर्मल हो जाएगा, अभी कुछ नहीं प्रॉब्लम है। लोग बोले अरे, एक बोला अरे आकाश से हालेलुया, तो म्हटला सरदार म्हटला आकाश कपाटे उघडले देवाने तरी होणार नाही एवढं, तो म्हणला होणार पण तू नाही बघणार आता, कारण तू अविश्वासू आहेस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज ही इज वॉकिंग विथ स्पिरिचुअल रेन। जब हम यर्दन क्रॉस करते हैं हालेलुया, यर्दन का मतलब है हालेलुया डेथ, बोलो डेथ, मृत्यु। हालेलुया, तो वहां पास्टर हमारा मृत्यु हो जाए तो ऊपर स्पिरिचुअल रेन में ही रेम रहेगा खुदा के साथ। वो मृत्यु की बात कर रहे हैं क्या आप? वो मृत्यु नहीं, खुद को मारना। यीशु कहता है कि जो मेरे पीछे वो लेता है, जो माशा मागे तो तेरे सर्वस्वचा त्याग करावा। प्रेज द लॉर्ड, सर्वस्व त्याग करून मराव स्वतःसाठी। हालेलुया, पोलीस कहते अरे मैं नहीं जीता, हालेलुया प्रभु यीशु मुझ में जीता है, मेरा पुराना मनुष्य मर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप कहेंगे प्रभु मेरा सब कुछ मर चुका है, देखो पुराना मनुष्य मर चुका है, आप कौन जीता है? बोले यीशु जीता है, पर यीशु को कान फाट में मार दिया। यीशु ने क्या किया? बोलो कुछ नहीं किया। उसके मुंह पर थूक दिया। यीशु ने क्या किया? यीशु की दाढ़ी ओढ़ी। क्या किया? उसकी भी दाढ़ी ओढ़ी उसने। दाढ़ी ओढ़ी, फिर हम भुक्की मारेंगे। उसने दाढ़ी ओढ़ी तो पीटर के जैसा हम तो सुराग घुसर देंगे उसमें। प्रेज द लॉर्ड। अब पुराना मनुष्य मर चुका है, आप कौन जीता है? बोलो यीशु मसीह जीता है। पर निशा ऐसा बोलने से नहीं होता, यीशु मसीह एक जो किया है वो हम करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने सब कुछ सहन लिया, हमें भी सहन करना है वो। हालेलुया, खुद के लिए हालेलुया नहीं, हालेलुया परमेश्वर के लिए जीना है। जब हम कहेंगे प्रभु अभी मैं एक प्रॉफिट आए थे 2013 में, और उन्होंने प्रोफेसी की मुझे 21 डेज फास्टिंग करूं,
21 दिन हम जंगल में जाके बैठते थे, हमारे चर्च के भी लोग थे, मेरी मिसेस प्रकाश, मोना, अभिजीत, हम सब उधर बैठते जंगल में प्रेयर। मैंने उधर प्रेयर किया, प्रभु मुझे मार डाल, ये तो मेरा यूज तो कर तू। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे एक गिफ्ट दिया गाना लिखने का। प्रेज द लॉर्ड। जब आप कहेंगे प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं, हालेलुया मुझे इस्तेमाल कर दे, तब आप स्पिरिचुअल रेन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। मृत्यु यर्दन क्रॉस किया, क्रॉस होने के बाद एलिशा आया। हालेलुया। दैट इज नॉट अ नॉर्मल एलिशा। हालेलुया। दिस इज सुपरनैचुरल एलिशा। प्रेज द लॉर्ड। यरियो को देखा, देखो बेथल से भी गया था वो, बेथल से यरियो गया था, यरियो से यर्दन गया था, लेकिन यर्दन क्रॉस करने के बाद यरियो को देखा, बाइबल में देखा, आगे देखो आप, बोले कि मनोहर भूमि है लेकिन कुछ भी नहीं, पानी अच्छा नहीं है, मृत्यु है, कर हाले भूमि अच्छा घर बन ये नहीं देती, नहीं फल नहीं देती। उसने बोला नया पात्र लाओ, उसमें नमक हल्लिया डाल के हल्लिया उस झरने के पास, श्रोते के पास लेके गया, और फिर उसके बाद हल्लिया सब सुपर नेचुरल चेंज हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब एक आदमी मरता है खुद के लिए, सुपर नेचुरल में प्रवेश करता है, हालेलुया, उसको देखता है दुनिया के प्रॉब्लम, सिर्फ उसका नहीं देखा, पास्टर मलाच वाचवा, प्रभु माझा कधी प्रॉब्लेम सॉल्व होणार, प्रभु माझा मुलाचा प्रॉब्लेम, प्रभु माझ्या मुलीचा प्रॉब्लेम, मेरी ये लड़की, मेरे वो लड़का, प्रभु क्राइंग फॉर युअर सेल्फ। बेतल, सिर्फ बेतल जाने वाले लोग ऐसे रहते, सिर्फ चर्च जाने वाले, लेकिन उनमें भी एक हायर क्वालिटी है। जो बोलते प्रभु मैं नहीं, हालेलुया मैं तेरे लिए जीना है मेरा लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। वो दूसरे के प्रॉब्लम देखेंगे, हालेलुया, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरों के लिए रोएंगे, हालेलुया, और दूसरे के लिए ब्लेसिंग का कारण हो जाएंगे वो। आर यू रीजन फॉर द ब्लेसिंग फॉर अदर्स, तो आप परमेश्वर की बुलाहट कॉलिंग को समझ चुके हैं आप। देखो जब हमारा उद्धार होता है, हम आशीषित हो जाते हैं, बोलो हम आशीषित हो जाते हैं। ग्रेट डे, बोलो ग्रेट डे, सबसे ग्रेट डे। कौन सा डे ग्रेट डे है? तुम्हारा बर्थडे नहीं। और उसके बाद जो ग्रेट डे आता है मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया, जब हमारा कॉलिंग हमें पता चलता है। प्रेज द लॉर्ड। तब हमें पता चलता है कि मेरे द्वारा लोग आशीषित होने वाला है, हालेलुया, मेरे ये सेवा से लोग ये लोग आशीषित होने वाले हैं, हालेलुया, दिस इज द सेकंड ग्रेट डे। पास्टर ये ग्रेट डे मरने मत, हमारा उद्धार हुआ, बस हो गया। लेकिन जब आप बुलाहट में चलोगे मेरे प्यारे भाइयों, बहुत बहुत हालेलुया, आपके लाइफ में चमत्कार हो जाएंगे, मिरेकल्स हो जाएंगे। हालेलुया। उस एलिशा ने देखा ये प्रॉब्लम है, हालेलुया, वो चुप बैठा नहीं। जब हम खुद में खुद के लिए मर जाते हैं, हम दुनिया के प्रॉब्लम देख के हालेलुया हम शांत नहीं बैठेंगे, हालेलुया, तो हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की सेवा करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया। परमेश्वर के इच्छा है कि पवित्र आत्मा हमें और आगे लेके जाता है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, यहेजकेल 47 तीसरा वचन। उस हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर हजार हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उस पुरुष ने उसको हाथ से लेकर 1000 हाथ के एक पर गिनकर हालेलुया आगे लेके गया, बोलो आगे लेके गया, यानी मतलब वो जमीन पर था, बोलो जमीन पर था। लेकिन वो पुरुष पवित्र आत्मा है, हालेलुया, हमें पानी में लेके जाता है वो। पवित्र आत्मा हमें वचन में लेके जाता है,
पवित्र आत्मा हालेलुया यीशु के पास हमें लेके जाता है, झरने के पास, सोते के पास, हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के पास, परमेश्वर की बुलाहट जहां पर है वो ट्रैक पर है, हालेलुया जमीन को बोलता है कि छोड़ दे ये जमीन। नहीं पास्टर, बहुत कमाई, बहुत कष्ट करके, मेहनत करके ये गाड़ी बंगला, लेकिन पवित्र आत्मा हालेलुया जब उतरा, हालेलुया शिष्यों पर, हालेलुया पेंटिकॉस्ट के दिन, हालेलुया बाइबल में लिखा है कि उन लोगों सब पवित्र आत्मा से भर गए, 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, उन्होंने उनकी मालमत्ता प्रॉपर्टीज हालेलुया सब बेच डाला और सब भंडार में हालेलुया दान पीटर के हालेलुया पेत्रस के पाओ तले रख दिया। प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा ही हमें हालेलुया इस दैहिकता से दूर करने के लिए मदद करता है, पवित्र आत्मा ही हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए जीने के लिए मदद करता है, पवित्र आत्मा ही हमें हालेलुया दुनिया की चीजें छोड़ने के लिए मदद करता है। हमारे ताकत से नहीं होगा हालेलुया, हमारे बुद्धि से नहीं होगा, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य होता है मेरे प्यारे भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो तुम्हें जमीन से लेकर हालेलुया हाथ पकड़कर पानी में लेके आएगा। लेकिन सिर्फ टखनों तक नहीं, हालेलुया हालेलुया वो आगे भी लेके जाता है, बोलो आगे भी लेके जाता है, घुटनों तक, घुटनों से कमर तक, कमर से हालेलुया गर्दन तक। और उसके बाद हालेलुया फ्लो विद द होली गोस्ट। हालेलुया, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम हमारा क्षेत्र बदले, हमारा थॉट बदले, हालेलुया हमारा देखने के नजरिया बदले, हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाए, सिर्फ विश्वास उभर के जीवन नहीं बिताए। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब ग्रेटेस्ट कमांड दिया तब वो क्या बोला, हालेलुया सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ और क्या बनाओ, बोलो शिष्य बनाओ, चेले बनाओ, चेले, बोलो चेले, विश्वासु बनाओ। लिखा है विश्वासु बनाओ, चेले बनाओ, हालेलुया कि वो खुद के लिए न जिए, हालेलुया तो एक पावरफुल डिसाइपल बनके परमेश्वर की सेवा करे। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमें और आगे आगे लेके जाता है, जमीन छोड़ने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करेगा। आपकी कुछ प्रॉब्लम रहेगी, आपका कुछ हालेलुया आदत रहेगी, जो आदत कौन सी भी रहे, सिगरेट, दारू, कुछ भी रहे, हालेलुया वो छोड़ने के लिए मदद करेगा पवित्र आत्मा। वो जमीन छोड़ने कर आपको पानी में लेके आएगा। ओ वंडरफुल होली गोस्ट, प्रेज द लॉर्ड। और जब पवित्र आत्मा के हाथ में हम आते हैं, ओ हालेलुया फ्लो में हम आते हैं, आगे आगे आगे, और फिर जब फ्लो में यानी जो प्रवाह उसमें वो भर जाता है, वो पवित्र आत्मा बोलता है कि अरे पानी जमीन पर कितने दिन चलेगा तू, बोलो जमीन पर कितने दिन चलेगा पास्टर, 80-90 साल चलेगा पास्टर। पवित्र आत्मा बोलता है नहीं नहीं जमीन पर नहीं चलना है बाबा, मैं तुम्हें पानी में लेके आता हूं, फ्लो होना है। प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा बोलता है कि हालेलुया मेरे साथ फ्लो हो जाओ, हालेलुया जब मेरे साथ फ्लो हो जाऊंगे, हालेलुया यू आर इंटर विथ सुपर नेचुरल रेम, तो पवित्र आत्मिक सुपर नेचुरल क्षेत्र में प्रवेश करोगे। जब वो फ्लो होली स्पिरिट के साथ होता है, हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों, हालेलुया समझो आपने सुपर नेचुरल रेन में प्रवेश किया है। हालेलुया, फिर आप साधारण नहीं, बोलो साधारण नहीं। और जब वो यार्दन क्रॉस करके आया, हो उसकी चद्दर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उस पर था, वो साधारण नहीं था। कुछ लोग बोले टकले 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 आलिशा, उसने उसे कर्ज करके दिया, हालेलुया कर्ज किया, और बाइबल में लिखा कि 42 ऋषियों ने बाइबल में लिखा है आए और उनको मार डाला।
दिस इज नॉट नॉर्मल. हालेलुया हालेलुया. बोले अरे बाबा टकला है और शाप भी दे रहे देखो. फिर भी बोलते रहेंगे टकले टकले टकले. अरे ये साधारण शाप नहीं है, साधारण शब्द नहीं है, ये हालेलुया सुपर नेचुरल रेल में चलने वाले हालेलुया एलिशा के शब्द है, जाया नहीं जाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. जब आप सुपर नेचुरल रेल में आते हैं हालेलुया आपके शब्द हालेलुया जो बोलेंगे वो होगा. 100% हो जाएगा. बोलो 100% हो जाएगा. प्रेज द लॉर्ड. और आपको कुछ कमी भी नहीं हो जाएगी. बाइबल ने लिखा है कि देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम दूसरा राजा. हम बीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए. शुनेमिन स्त्री क्या कहती है कि वो एक परमेश्वर का भक्त जन दिखता है मुझे. हाँ उसके लिए क्या करेंगे हम कोठरी बनाएंगे, घर बनाएंगे, रूम बनाएंगे, क्या करेंगे बोलो बनाएंगे. बनाएंगे. कौन बनाएगा? पास्टर मैं कष्ट करूंगा, पसीना बहाऊंगा फिर बनेगा पास्टर घर हमारा. तब तक बूढ़े होकर मर जाएंगे तुम. क्योंकि भाई मैंने देखा है परमेश्वर जर घर बांधत नहीं इधर बांधना जो श्रम व्यर्थ है. प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर ही हमारा घर बांधता है मेरे प्यारे भाइयों. बोला खाट मेज कुर्सी अलविया सब कुछ उसे मिल गए हो. बोला सब कुछ फ्री, फ्री मिल, फ्री में मिल गया. नहीं पास्टर जी फ्री में नहीं जाइए, हम कष्ट करेंगे ना. हम पसीना बहाएंगे. लेकिन मेरे भाइयों प्यारे भाइयों जब हम जमीन पर चलते हैं हमारे ताकत से चलते हैं तब हमें हालेलुया तकलीफ होगा. तब हमें घर कमाने के लिए घर बनाने के लिए हालेलुया बहुत पसीना बहाना पड़ेगा. लेकिन जब हम हालेलुया पवित्र आत्मा से फ्लो हो जाएंगे हालेलुया हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर सब फ्री में दे देगा आपको. प्रेज द लॉर्ड. वो उसकी रिलेटिव थी क्या? बहन थी उसकी? पहचान की थी? कुछ भी नहीं थी. परमेश्वर ने उसका कंट्रोल ले लिया. हालेलुया. आजकल कोई 10 रुपए भी नहीं लेता. भिखारी को बोलते चल जा रहे बाबा. लेकिन बोला कोठरी हम बांधेंगे. बांधी हुई थी क्या? हाँ नए बांधे बाबा, नए नया. नया रूम एलिशा के लिए, खाट मेज कुर्सी हालेलुया सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. जब पवित्र आत्मा से भर गए शिष्य डिसाइपल चेले लोग हालेलुया उनको कुछ कमी थी क्या? सेवा करने के लिए सबने प्रॉपर्टी बेच दी. क्या बेच दिए? बोलो प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी बहुत 10-12 रुपए में आती है. करते प्रॉपर्टी अभी लाखों करोड़ों रुपए लगते प्रॉपर्टी खरीदने के. हालेलुया उस दिन भी हालेलुया बहुत पैसा रहेगा. हालेलुया मेरे प्यारे भाई सब उनके पैरों के नीचे आ गया. किसकी वजह से? पवित्र आत्मा से फ्लो होने की वजह से. बोलो पवित्र आत्मा के फ्लो होने की वजह से. परमेश्वर ने मुझे बोला है हालेलुया जब तू पवित्र आत्मा में फ्लो हो जाएगा हालेलुया नई नया क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, सुपर नेचुरल क्षेत्र में प्रवेश करेगा तुझे पैसे की कुछ भी कमी नहीं आएगी. प्रेज द लॉर्ड. जो सुपर नेचुरल रेल में चलता है उसे पैसे की कभी कमी नहीं आती मेरे प्यारे भाई. कोई भी एलिशा को नामान को भेज दिया परमेश्वर. बोलो नामान को भेज दिया. बहुत बड़ा श्रीमंत था वो, अमीर था. बोलो अमीर. लाया बहुत ऊंट भर भर के हालेलुया कपड़े सोना चांदी सब लेके आए हो. प्रेज द लॉर्ड. जब हम स्पिरिट फिल होते हैं हालेलुया नए रेल में हम प्रवेश कर चुके उस टाइम हमें कुछ भी हालेलुया तकलीफ नहीं, स्ट्रगल नहीं, प्रॉब्लम नहीं, हालेलुया सब कुछ इजी में मिल जाता है. बोलो इजी में मिल जाता है. लेकिन जब हम टखनों तक रहते हैं, बोलो टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक, हाँ बाद में तैरना. कमर तक भी रहते लोग कुछ लोग पास्टर आते हैं चर्च में सब कुछ करते हैं प्रार्थना भी करते हैं ये करते हैं. अरे लेकिन पैरों पर खुद के खड़े हो ना तुम. कमर तक भी जो पानी में रहता है
वो किसके ताकत पर खड़े होता है? बड़े खुद के ताकत पर। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आज आप किसके ताकत पर खड़े हो? खुद की ताकत पर, खुद का नॉलेज, खुद का बुद्धि, खुद का हालेलुया, ओ हालेलुया, ताकत, शक्ति, हालेलुया। लेकिन जब हम बोलेंगे प्रभु हमारी शक्ति नहीं, पवित्र आत्मा, हालेलुया, मैं तुझमें फ्लो होना चाहता हूँ, जहां तू लेके जाए मुझे लेके जा, मैं तैयार हूँ, मैं फ्लो होने के लिए तैयार हूँ। जहां तेरा प्रभाव जाए, जहां तेरी नदियां बहती जाए, वहां मैं जाने के लिए तैयार हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हालेलुया, आप पर खुश हो जाएगा और फिर आपकी लाइफ में सुपर नेचुरल चमत्कार होते जाएंगे। पीटर ने अले मच्छी पहला पकड़ना था, कुछ कुछ रात उसको मच्छी भी नहीं मिली, रात भर कष्ट किया, हालेलुया, तकलीफ, और नींद भी नहीं, सोना भी नहीं था। आज आप में ऐसे लोग रहेंगे, रात दिन मैं एक फैमिली को मिला, बोले कि पास्टर हम सुबह 4 बजे उठते हूँ, 4 बजे 3:30 बजे उठता हूँ, हालेलुया, हम पति पत्नी और फिर हालेलुया हमारे एक केटर का दुकान है, हालेलुया, YCM के इधर, और वहाँ पर हम हालेलुया बहुत कष्ट करते हैं, हालेलुया 6-7 बजे हम सब काम करते हैं, फिर 7 बजे हम उधर जाते हैं, फिर हम दुकान चालू करते हैं, फिर हम बेचते हैं, फिर बोले कि हम दोपहर को आते हैं, फिर थोड़ा 1 घंटा आराम करते, वापस सुबह की तैयारी करना पड़ता है पास्टर। और बोला पास्टर हम बहुत तकलीफ में है, हमारा ये हफ्ता नहीं जा रहा, हमारे बच्चे के लिए फीस नहीं भरी, हालेलुया, बहुत स्ट्रगल, बहुत प्रॉब्लम, हालेलुया मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा में फ्लो हो जाएंगे, हालेलुया, वो हमें सुपर नेचुरल रेल में लेके जाएगा और कुछ भी तकलीफ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, हालेलुया। पतरस को भी कुछ भी प्रॉब्लम बाद में नहीं। लोगों ने बहुत दिया रहेगा उसको, फिर मछली पकड़ना, उसको साफ करना, बेचना, फिर पैसा मिलना, हालेलुया, वो कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने इतना बहुत परमेश्वर ने कार्य किया कि लोगों ने सोना भी उसके पैरों के नीचे, प्रॉपर्टी, पैसा, धन उसके पैरों के नीचे आ दिया। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, हालेलुया, हमें भी कुछ तकलीफ नहीं होगी मेरे प्यारे भाइयों। हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमको लेके जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया, हमारे लाइफ में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आवाज सुने। ओ परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके सुपर नेचुरल रेल में प्रवेश करें। परमेश्वर कहता है योहान को, ऊपर आओ, मूसा को बोला ऊपर आओ, जब वो ऊपर आया, हालेलुया, परमेश्वर ने उसे डिवाइन दर्शन दिया। टैबरनेकल, मूसा का तंबू ऐसा ऐसा बांधना है, हालेलुया, लोगों के दिल में लोगों ने, परमेश्वर ने कार्य किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों, आप तकलीफ से डरो मत। एक वचन में पढ़ना चाहता हूं, लास्ट का वचन, पहला राजा 17:3-4। यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में, जो यर्दन के पूर्व में है, छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। आज्ञा दी है, बोलो आज्ञा दी है। कौन सा टेंस है रे बाबा? भूतकाल है, वर्तमान काल है, या भविष्य काल? मास्टर हमारे लाइफ में भूत ही ज्यादा रहते हैं, इसलिए भूतकाल है। भूत का काल चल रहा है पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। बोलो भूतकाल है, ऑलरेडी, बोलो दी है ऑलरेडी। तू टेंशन मत लेना, परमेश्वर क्या कहता है, बोलो टेंशन मत लेना। बाजू वाले को बोलो, हाँ, परमेश्वर ने आज्ञा तुम्हारे सासू को पैसा देने के लिए। नहीं पास्टर, तुम्हें मालूम है मेरे सासू में बहुत डेंजर है,
कई कई जैसी है। बहुत खतरनाक है पास्टर। कौओं का एक स्वभाव है हालिया, वो देते नहीं लेते है। इधर एक गुलेर का पेड़ था हमारे इस घर चर्च के सामने, और ऊपर बहुत बड़े 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 कौए थे। इनको सबको एक्सपीरियंस है, वो डरते नहीं वो हालिया। उनको गुस्सा आते तो हमारे सिर पे भी हालिया मार के जाते वो। इनको पूछो उन्होंने मार खाए, प्रकाश को पूछो, मैं झूठा बोलता हूं तो। हालेलुया। और मांस के लिए तो वो झगड़ा करते हो, लेकिन हालेलुया बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी है। प्रेज द लॉर्ड। यानी फ्यूचर फ्यूचर भूतकाल में आज्ञा दी है, भविष्य काल में टेंशन मत लेना। बोलो भविष्य काल में टेंशन मत लेना। हाँ, आपके जब हम स्पिरिचुअल रेल में पवित्र आत्मा से भरकर चलते हैं, हालेलुया, हमें टेंशन लेने का जरूरत, हमारी टेंशन बोलो परमेश्वर लेता है। बहुत बड़ा आखल गिर रहा था, परमेश्वर बोला अभी टेंशन मत लेना, अभी मैं सब तेरा टेंशन ले लूंगा। वो बोला प्रभु अभी 3 साल अकाल पड़ गया, अभी कैसा होगा प्रभु मेरा, ओ रबा शांता रबा 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 प्रेयर करते हुए नहीं बैठा हूं, ओ रोता नहीं बोला पापा अभी दया कर रहे बाबा, अभी क्या होगा परमेश्वर, हालेलुया तूने तो सबको अकाल भेज दिया और मुझ पे भी अकाल आ गए ना पास्टर प्रभु। उनको अकाल दे दो, मुझे क्यों अकाल दे दिया पास्टर, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर बोला डरना मत, हालेलुया उसको मैंने आज्ञा दी है। और उसके बाद नवा वचन पढ़ेंगे, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वही रह, सुन मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आज्ञा बोलो आज्ञा दी है, किसको, विधवा को भी आज्ञा दी है। प्रेज द लॉर्ड। तू टेंशन मत लेना। आप बोले पास्टर जी ये विधवा क्यों रहे बाबा, रानी को एस्तर रानी को आज्ञा देनी चाहिए थी ना, शिपा की रानी को आज्ञा देनी चाहिए थी ना पास्टर, ये गरीब क्या करेगी पास्टर प्रभु, ये गरीब क्या देगी, उसको ही खाने को नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम स्पिरिचुअल रेल में चलते हैं, हालेलुया, तो चमत्कार हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया। जब गरीब भी लोग आपके चर्च में आते हैं, हालेलुया, टेंशन मत लेना, वो परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा वो, और वो फिर आपको आशीषित करेंगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भवन में, हालेलुया, परमेश्वर के, ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा से भरे हुए पास्टर के साथ चलते हैं, हालेलुया, तो क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, आप भी गरीब रहेंगे, आपको नो फ्यूचर रहेगा, जैसे वो सारपत की भी विधवा थी, नो फ्यूचर, हालेलुया, मरने वाले थे, सुसाइड करने वाले थे, लेकिन हालेलुया स्पिरिचुअल रेल में चलने वाला एक पास्टर है, और आत्मिक क्षेत्र में चलने वाला एक परमेश्वर का सेवक है, पवित्र आत्मा के अनुसार बहने वाला एक सेवक है। हालेलुया मेरे प्यारे भाई, उसका लाइफ भी चेंज हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए सेवक के टच में रहते हैं, हालेलुया, हमारी भी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी, हमारा प्रॉब्लम ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, परमेश्वर सब चेंज कर देगा मेरे प्यारे भाइयों। प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया। इसलिए मैं गरीब के ऊपर नहीं देखता हूं, मैं देखता हूं कि हालेलुया इफ यू आर फिल्ड विद द होली गोस्ट, हालेलुया इसमें एक पैशन है, हालेलुया वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। प्रेज द लॉर्ड। ओ मेरे प्यारे भाइयों, आप टेंशन मत ले लो, परमेश्वर सब कुछ करता है। हालेलुया। वो बोला कि उसको भी आज्ञा दी है, यानी उसको ड्रीम परमेश्वर ने दिखाया रहेगा, है ना, मैं तो कौन देगा। बोले अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा मैदा है, आटा है, और थोड़ा कुप्पी भर तेल है, ये खाएंगे हम मर जाएंगे। वो वाला वो सब प्रोग्राम बाद में करना, पहले मेरा प्रोग्राम कर बाबा। लिखा है भाई भाई देखो, अरे वो सब बाद में करना, पहले मुझे खाने को दे दो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
और उसकी जगह आप रहते तो आप बोलते थे, अरे बाबा ये कौन सा है, ये पास्टर है क्या, ये राक्षस है, शैतान आए लगते हैं। हम मरने वाले हैं, हमें खाने के लिए नहीं है, मेरे बच्चों को खाने के लिए नहीं है, मुझे भी खाने के लिए नहीं है, और ये पहले बोलते हैं मुझे खाने के दो। आप उसकी जगह रहते तो बोलते हैं लकड़ी से उसे मार मार कर भाई भगा देते। झूठे संदेश आए पाश्चर हमारे घर में मार मार कर भगा देते हो, झूठे नबी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हालेलुया, उसने क्यों दिया, क्योंकि 100% परमेश्वर ने बोला कि उसके उसको आज्ञा दी है, यानी ड्रीम दृष्टांत 100% परमेश्वर ने दिखाया रहेगा कि मेरा एक सेवक आ जाएगा, उसे तू देना है, इसलिए तैयार हो गई, नहीं तो लकड़ी मारती थी उसके सिर पर। हालेलुया। ओ, जब हम सुपर नेचुरल रेल में चलते हैं, परमेश्वर सबको हालेलुया ड्रीम में भी हालेलुया आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। जिसके हालेलुया आपके ससुर के ड्रीम में, सास के ड्रीम में ऐसा ये करेगा, वो सोएगी नहीं जब तक सारा सोना आपके हाथों में नहीं रहती। बोला ये ले सोना, अभी मुझे भी दे, आ जाए सोना। हालेलुया। जब हम स्पिरिचुअल रेल में चलते हालेलुया सुपर नेचुरल चमत्कार हालेलुया 100% हमारे लाइफ में हो जाएंगे, सुपर नेचुरल मिरेकल्स हालेलुया हमारे लाइफ में हालेलुया 101% हो जाएंगे। आइए खड़े होंगे, प्रार्थना करिए।